पंजाब के जलंधर जिले के लम्मा पिंड में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों में एक बच्चे की उम्र 1.5 साल थी और दूसरे बच्चे की उम्र 5 साल थी। इसके साथ ही महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जलंधर के समीप गांव लम्मा में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां खाना बनाते समय गैस पाइप लीक होने से घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 1.5 साल के बच्चे और उसके पिता की मौत हो गई है। दोपहर के समय इलाज के दौरान 5 वर्षीय दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बहुत ज्यादा लगी थी, अभी जो देखे पानी पुनी पाया आके देखे बच्चे भी अंदर से आप भी अंदर से है। अच्छा, तो पता नहीं किस तरह लगी, चाह बना लगे या की करने लगे। बाल कटे जड़े हुए थे पूरे। अच्छा, 3 हॉस्पिटल गए हैं। कितने जने थे टोटल? 4 जने थे। कौन कौन था? 2 मियां बीबी, 2 बच्चे। गैस लीकेज जरा अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर इन्हों का सीगा, वो चूल्हा चलाते पैण उसके करके आग लग गई, जिद जो हसबेंड है राजकुमार मौके से ही डैथ हो गई। मतलब जलन करके वो झुलस गए। ये अलावा जरा 1.5 साल का बच्चा सीगा एंड उसकी वाइफ एंड 5 साल का बच्चा बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले राजा राम कुमार की पत्नी प्रिया ने रात को खाना बनाया। खाना खाने के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर को बंद कर दिया, लेकिन कहीं लीकेज होती रही। सुबह जब प्रिया चाय बनाने लगी तो अचानक ही आग लग गई। आग एकदम से फैल गई, जिसके चलते प्रिया और राजा राम चादर लेकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। पास ही सो रहे 2 साल के अंकित और 5 साल के नेपी की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। जब तक वो बच्चों को बचाते तब तक आग इतनी बढ़ गई थी कि चारों जल गए और धुएं में बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। राजा राम और नेपी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला प्रिया की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। मामले की जांच कर रहे एएसआई बलजिंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल प्रिया की हालत इतनी गंभीर है कि वो कुछ भी बताने लायक नहीं है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिए गए हैं और धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है। ये भी जांच की जा रही है कि जहां वो किराए पर रहते थे वहां पर किराए पर रखने वाले के पास परमिशन है या नहीं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।